गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास टेंथ का अपना चैप्टर नंबर 15 वर्ग की प्रीति और क्षेत्रफल टॉपिक पूरा हो चुका था। अब उसी से एसोसिएटेड लिंक्ड मतलब आपका जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले आपने अभी तक समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा था। समतलीय आकृतियां जैसे आपका वर्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये जो आकृतियां हैं समतलीय आकृतियां बोला जाता है। अब अपने वो पढ़ना है ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है, समतलीय जो आकृतियां होती हैं वो समतल में एक ही समतल में पूरी की पूरी स्थित होती हैं, और जबकि जो ठोस आकृतियां हैं उनमें क्या होता है वो एक समतल में स्थित नहीं होती जबकि पूरे आकाश में स्थित होती है, पूरे आसमान में स्थित होती है, पूरे स्पेस में स्थित होती है। तो यही अंतर होता है इसमें समतलीय आकृतियों में और ठोस आकृतियों में। दूसरा अंतर ये होता है कि समतलीय आकृतियां होती हैं वो द्विमित ज्यामिति की होती हैं, मतलब 2D डायमेंशनल होती हैं, जबकि ठोस आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं त्रिविमीय ज्यामिति होती हैं। कहने का मतलब समतलीय आकृतियों में दो भुजाएं मिलेंगी आपको जबकि ठोस आकृतियों में आपकी भुजाएं कितनी होंगी, आपकी 3 होंगी। तो अब अपने को पढ़ना है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो ठोस आकृतियों में आते हैं जैसे आपके घन, घना, शंकु, बेलन, गोला, ये सारे के सारे ठोस आकृतियों में आते हैं। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन आपको पढ़ना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है व आयतन क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी पृष्ठों का योगफल होता है, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कहने का मतलब जैसे एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ये आपका पूरा पूरा कोई आकृति है, तो इन सभी का योग क्या कहलाएगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा एक ठोस आकृति का। दूसरा चीज आयतन क्या होता है, कोई भी ठोस आकृति है आपकी, घन है या घनाभ है या गोला है, जितना स्थान स्पेस में मान लेते हैं, स्पेस में घेरती है तो उसे उसका क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है। जैसे एक बोल यहां पर रखती तो ये बोल आपका जितना स्थान घेरेगी उसको क्या बोला जाता है, उसका आयतन बोला जाता है, उसकी कैपेसिटी बोला जाता है। अब सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में आपको पढ़ना है घनाभ और घन, घनाभ और घन। तो सबसे पहले चलते हैं घनाभ पे। अब घनाभ क्या होता है, यहां पे घनाभ का जो दूसरा नाम होता है वो होता है समांतर षटकोणिक फलक, ये इसका दूसरा नाम भी होता है। अब घनाभ क्या होता है, इसके अंदर 6 फलकें होती हैं, जैसे कमरा देखा होगा माचिस की डब्बी होगी, 6 फलकें होती हैं इसकी, 12 कोर हो गई आपकी, कोर मतलब भुजाएं मान लो इसकी, ये 12 कोरे हो गई आपकी। अब इसका एक चित्र बनाते हैं जैसे माचिस की डब्बी वगैरह, ये उदाहरण लिख सकते हो आप। इस प्रकार से 6 फलक होती हैं इसकी, 6 फलकें कैसी होती हैं, जो भी फलकें होती हैं आपकी, जो भी फलक होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है, क्या होती है, आयताकार। जैसे मैंने आपका ये घनाभ बनाया है तो एक यहां पे है तो एक इसके पीछे, जैसे आपने कमरा देखा होगा तो उसमें देखो एक ये मैं जैसे बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, बोर्ड पे खड़ा हूँ और एक मेरे सामने हो गई, एक फलक ये है, एक ये 2 हो गई, एक इस साइड 3, एक इस साइड 4, एक ऊपर 6 और एक नीचे फर्श, इस तरह से 6 फलक हो गई आपकी। और अगर इन दो फलकों के शीर्षों को जोड़ोगे तो वो एक रेखाखंड जो मिलता है उसको कोर बोला जाता है। इस तरीके से इसकी कितनी कोरे होती है, 12 कोरे होती है, और ये जो कोरे होती है एक कोर 2 कोर 3 कोर, 3 कोर जहां पे जिस बिंदु पर मिलती है उनको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोर, इसको बोला जाता है फलक।
अब सबसे पहले इसके क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। तो देखो घनाभ की जो तीनों भुजाएं हैं, ये जैसे मैंने लंबाई मान लिया हमने, ये चौड़ाई हो गई और इसकी हो गई ऊंचाई एल बी एच। तो इसका सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सभी भुजाएं बहुत अच्छा होती हैं, तो दो लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊपर नीचे का मान लो, साइड का मान लो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आगे पीछे का मान लो ऊंचाई गुणा लंबाई, तो डबल होती है ना, इसीलिए दो से गुणा होती है। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछे, चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछे या फिर बोल दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या होगा आपका ऊपर नीचे होगा घट जाएगा, एल बी हटा दो यहां से ही हट जाएगा, तो क्या बचेगा टू बी एच प्लस एच एल। अब एच इसके अंदर कॉमन आ रहा है तो दो एच क्या बचेगा एल प्लस बी, ये आपका हो गया चार गुणा चार दीवारी का क्षेत्रफल, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया आपका चार दीवारी का क्षेत्रफल। फिर होता है इसका आयतन, इसका जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसके बाद इसका होता है विकिरण, विकिरण होता है इसका रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ये चार सूत्र है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, चार दीवारी का क्षेत्रफल का, आयतन का और विकिरण का, ये हो गया इसके सूत्र। अब आयतन का जो यूनिट होगा या क्षेत्रफल का जो इकाई होगा आपका, तो क्षेत्रफल का हमेशा लेना आपको वर्ग इकाई में, वर्ग मतलब स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, और आयतन की बात की जाए तो वो आपका होगा घन इकाई में, घन इकाई मतलब क्यूब, जैसे सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो या घन सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो ये आपका क्या था आपका घनाभ था आपका, ओके आप घन पढ़ेंगे। अच्छा आप जैसे घनाभ पढ़ लिया था, घनाभ के अंदर मतलब आपके पास छह फलक होती है, बारह शीर्ष होते हैं और बारह कोर होते हैं और आठ शीर्ष होते हैं। अब इस प्रकार से आपको घन पढ़ना है, घन मतलब बिल्कुल सेम घनाभ के जैसा होता है। अंतर क्या होगा यदि एल बराबर बी बराबर एच हो जाए, मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है घन कहलाता है। तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा आपका, हाँ तो ये आपका घन है यदि तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। तो तीनों भुजाएं मैंने मानी ए ए और ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होंगी इसकी, और वही फलक इसकी वही छह होती है, लेकिन अंतर क्या होता है जो फलक के होंगे आपकी वो क्या होगी वर्गाकार होगी, फलक इसकी होंगी वर्गाकार होंगी। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो देखो एक वहां पे लंबाई चौड़ाई की जगह आप ए रखोगे, जैसे मैं एक बार लिखा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल था, तो मैं यहाँ ए रखूंगा तो ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू ए ए स्क्वायर कितना हो गया तीन ए स्क्वायर, तो टू थ्री जा सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स गुणा भुजा का स्क्वायर क्या कहलाएगा आपका, इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कहलाएगा आपका। वक्र पृष्ठ का होगा आपका दो भुजाएं निकाल दो तो कितना हो जाएगा चार गुणा भुजा की स्क्वायर, आयतन इसका उसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे ए गुणा ए हो जाएगा, तीनों बराबर है तो भुजा की क्यूब हो जाएगा। और विकिरण आपको निकालना हो तो देखो वहां पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर था, यहाँ ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर कितने हुए तीन ए के स्क्वायर हो गए, यहाँ पे तीन ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट तीन गुणा ए, ये इसका क्या हो गया विकिरण हो गया। तो सबसे पहले फलक वर्गाकार होंगे इसकी, क्षेत्रफल आपका सिक्स गुणा भुजा की स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का हुआ चार गुणा भुजा की स्क्वायर, आयतन हो गया भुजा की क्यूब, विकिरण हो गया रूट तीन गुणा भुजा। और एक चीज और बता देता हूं मैं, इसके जो आयतन आपको कभी भी किसी चीज का निकालना हो वो क्या होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से आपको क्या निकालना है आयतन निकालना, अगर क्षेत्रफल दे दिया ऊंचाई दे दिया तो आयतन निकालने का तरीका क्या हुआ क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, उसी से आपके आयतन निकले हैं।
ओके। तो एक दो यूनिट के ध्यान में रखना, एक लीटर में मतलब कितने, 1000 आपके क्या होंगे, घन सेंटीमीटर होंगे, और एक घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो देखो प्रश्न वाला 16.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाला जो 16.1 है, इसका जो पहला प्रश्न है आपका, वो है यदि एक घनाभ की 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई है इसका 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसका 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका 5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखना, इसको दिया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, 2 एलबी बीएच एचएल होगा यहां पे। तो 2 गुणा एलबी मतलब 12 गुणा 9, बीएच 9 गुणा 5, एचएल 5 गुणा 12। तो ये हो गया 12 गुणा 108, 9 पांच 45, 12 पांच 60, जोड़ दो इसको, 8 5 13, 6 4 10 और 1 11 और 1, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 426 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये इकाई आपको जरूर ध्यान में लगानी है, नहीं तो आधा नंबर आपका वहीं पे कट हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो क्या हुआ, एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई है 12, ये है 9 और ये ऊंचाई 5। तो 12 पंच 60 गुणा 9 छिका 54, 540 घन सेंटीमीटर। ये आपका आयतन आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया आपका। अगला जो प्रश्न है, 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। 3 जो घन है आपके, मैं बना लेता हूं छोटे छोटे, उनकी भुजाएं 8, 6 और 1 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक नया घन बना दिया, इनको पिघला दिया भाई गर्म करके जैसे भी, इससे एक नया घन बना दिया। फिर क्या बोला है, उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये नया घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसकी भुजा आपको मालूम होनी चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया है, इन तीनों को पिघला के एक घन बनाया है। तो तीनों को, तीनों के अंदर जो आपका मेटेरियल, जो भी सामान लगा था वो एक के अंदर लगा है, यानी 3 की कैपेसिटी 1 के बराबर होगी, यानी तीनों का वॉल्यूम एक घन के वॉल्यूम के बराबर हो गया। यहाँ पे इस घन का भुजा मैं मान लेता हूं ए। तो यानी कि ऐसा लिखोगे, माना नए घन की भुजा है वो क्या है, ए मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में है, ए सेंटीमीटर मान लिया आपने। अब प्रश्नानुसार तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन, तीनों घन का आयतन कितना हो गया, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 1 का क्यूब, नए घन का आयतन हो गया 1 क्यूब। 8 8 64, 8 512, 6 6 37, 216 और 1 का क्यूब हो गया 1। ये हो गया 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2 5 और 2 7, 1 क्यूब। ए आपका आ गया यहाँ पे 729 का घनमूल, घनमूल कितना हो गया, 9 का होगा घनमूल, तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आ गया इसका भुजा आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ऐसा लिख देना, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर, 9 नाम होता है 81, तो 6 कम 6 6 8 48 घन सेंटीमीटर आपका आ गया।
अब एक संदूक की जो माप है वो 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर दिया है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो भाई एक संदूक की ये माप दे रखी है, इस संदूक के चारों तरफ क्या बनाना है, कपड़ा लगाना है। तो संदूक का जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतने ही क्या होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है और उतने ही कपड़े की आवश्यकता होगी। तो दो एल आपका 50 एल बी एच 36, 36 गुना 25 प्लस 25 गुना 50 ये मान लग गया। तो इसका उत्तर आएगा आपका 7900 आना चाहिए। आपका चेक कर लेना, इसको गुणा करके ये आपका उत्तर आना चाहिए। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ दे दिया, ये वही घन है, इसका प्रत्येक पृष्ठ दे दिया, पृष्ठ दे दिया, सतह दे दिया या फलक दे दिया, एक ही बात है। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब भुजा मैंने मान ली इसकी a, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ क्या होती है, वर्गाकार होती है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 100, a बराबर हो जाएगा 100 का रूट, 100 का रूट का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में बड़ो प्रश्न, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आधार के समांतर समतल द्वारा, ये आधार है इसका ऐसे मान लो, इसके समांतर समतल द्वारा इसको दो बराबर भाग में काट दिया जाए। दो बराबर भाग में काट दोगे तो आपके क्या, एक भाग ये बचेगा, एक भाग ये बचेगा, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो दोनों समान भाग बनेंगे आपके, उन दोनों समान भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर भुजा आ गई, तो अगर बराबर से काटोगे बीच से यहां से तो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5। लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा और चौड़ाई में भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका क्या बन गया, घनाभ की प्रकार से बन गया, क्यों, ऊंचाई आपकी अलग है इसमें। तो ये आपका हो गया, जो अगर इसे आधार के समांतर दो बराबर भागों में काटते हैं तो वो समान भाग एक घनाभ का निर्माण करते हैं, क्योंकि यहां पे जो लंबाई है वो 10 रहेगी, ऊंचाई है, चौड़ाई है वो भी 10 रहेगी और ऊंचाई है वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आप एक जैसे कोई भी घनाभ का बॉक्स ले लीजिए, उसको बराबर कैंची से काट के देखो तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल चीज क्या है। वास्तव में मतलब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ऊंचाई कितनी हो रही है, उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये एल बी एच आपका आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणा एल बी मतलब 10 गुणा 10, बी एच मतलब 10 गुणा 5, एच एल मतलब 10 गुणा 5, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, 100 50 50 होता है 100, कितना हो गया 200, 200 को 2 से करोगे 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो एक से 4 का क्वेश्चन हो गए आपके, आज क्या है आपका 2 क्वेश्चन और छोटे करा देता हूँ, 6 क्वेश्चन ये कर लेना, 6 क्वेश्चन कल करा देंगे आपको। तो देखो इसमें 2 छोटे क्वेश्चन है, 7 का और एक आपका है 10 का, ये इजी है, अभी हो जाएगा, वीडियो भी मतलब क्या है लेंथी नहीं रहेगा आपके लिए। तो 7 आपका क्वेश्चन, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के
कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। भुजा दे रखी है, वर्गाकार फर्श है, भुजा मतलब मान लेते हैं ए कितनी है 6 मीटर। अब हवा है इसके अंदर, इसके अंदर हवा है तो मतलब आयतन है, आयतन को वी से डिनोट कर दिया मैंने 180 घन मीटर। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मैंने अभी बताया था आपको आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन कितना होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श में, तो 6 मीटर भुजा है तो वर्गाकार फर्श का कमरा है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा की स्क्वायर कितनी होगी 36, 6 6 36, 6 18 19 20 21। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, वर्गाकार फर्श है तो यहाँ पे वर्गाकार फर्श है तो क्या लेंगे क्षेत्रफल किसका लेंगे वर्ग का लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ भुजा की स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर रख दो बस, आयतन कितना है 180, क्षेत्रफल 36, ऊंचाई आपकी निकालनी है तो ऊंचाई आपका कितना हुआ 180 बटे 36। तो 6 6 36 6 3 18 6 5 30, 5 मीटर की आ गई ऊंचाई आ गई किसकी वर्गाकार कमरे के वर्गाकार फर्श के कमरे की ऊंचाई आ गई आपकी। एक देखो क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, घन का आयतन कितना दे रहा है 512 घन मीटर दे रखा है तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यू बराबर 512, तो भुजा कितना आ जाएगा 512 का घनमूल, 512 का घनमूल कितना होता है 8, तो भुजा कितनी आ गई आपकी 8 मीटर। तो ये आपको 6 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं आज घर पे। ओके।